नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन में ऐसी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ खुश हो सके। दोस्तों, सावन के महीने में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस महीने में युवतियाँ, महिलाएँ भगवान शिव के लिए व्रत भी रखती है, जिसे सावन का सोमवार नाम से जाना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से लड़कियों को उनका मनचाहा जीवन साथी मिलता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवार का व्रत रखती है, और साथ ही कई लड़कियां या औरतें पूरा सावन का महीना भी नहाती है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अब मैं आपको वो पांच बातें बताती हूँ जो इस महीने में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली, मांस मदिरा से बचे। सावन के महीने में नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में शादी जैसे शुभ काम भी नहीं किए जाते हैं, बल्कि इस समय ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में एक व्रती को हरी सब्जियां और साग नहीं खाना चाहिए, शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए और न ही कांच के बर्तन में खाना खाना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाएं। दूसरा, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हम सावन में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं। बता दूं कि दोस्तों, इससे वात संबंधी दोष से बचाव होता है। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि दोस्तों, इस महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना गया है, इसलिए द्वादशी, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक मास में भी इसे खाने की मनाही होती है। तीसरा, सांड से बचे। इस सावन के महीने में अगर आपका सामना सांड से होता है तो उसे कुछ खाने को दे। सांड को अपने घर से भगाना शिव की सवारी नंदी का अपमान माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्तों का अपमान न करें। भगवान शिव के भक्तों का सम्मान शिव की सेवा के समान फलदायी होता है। चौथा, क्रोध ना करें। सावन के महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें। जीवन साथी के साथ भी किसी भी तरह के विवाद नहीं करना चाहिए। इन दिनों शिव पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ता है, इसलिए किसी बात से मन मुटाव की आशंका होने पर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पांचवा, शिव का जला अभिषेक करें। सावन के महीने में रोज भगवान शिव का जला अभिषेक करना चाहिए। इससे कई जन्मों के पाप कम हो जाते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है दोस्तों, सावन में सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके भगवान शिव का जल अभिषेक करना चाहिए। देर तक सोने से यह अवसर हाथ से चला जाता है और ऐसे लोग शिव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जो सावन में आपको याद रखनी है, जिससे आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।